देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री मंजू वाघमार ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार महिला और बच्चों के विकास के लिए काम कर रही है। बच्चों को हफ्ते में 3 दिन दूध दिया जाएगा। 20,000 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र और 365 ब्लॉक स्तरीय आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। एसओजी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्रोहीलाल मीना बोले कि आरएस एसआई टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर दस्तावेज लेकर आया हूं। इनमें ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिससे बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। सुनिए क्रोहीलाल मीना ने क्या कुछ कहा। नीचे रखो, नीचे नीचे एडिशनल डीजी साहब को प्रस्तुत कर दूं, प्रमाण दे दूं, उसके बाद सारी बात मीडिया को बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छुपा। कौन सी परीक्षा का मामला? सब इंस्पेक्टर जैन सर, ऐसे कौन सी टीचर भर्ती की हमेशा सुर्खियों पे आते हैं और तीन पेपर लेके कौन से तीनों? क्योंकि आपने हमेशा को भी नीचे रखो ना, आर एस वेट सब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में घेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता बलदेव गोरा को पत्र जारी कर पर्यावरण ब्रांड एम्बेसिडर नियुक्त किया था, लेकिन इस आदेश को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल फैल गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसको निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान के चूरू के कलेक्ट्रेट में श्री राष्ट्रीय कर्णी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान से मारने की धमकी के संबंध में और शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झलावाड़ जिले में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसमेंट एंड करियर कंसल्टेंसी पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज झलावाड़ कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्लेसमेंट कंसल्टेंसी पर कार्रवाई की मांग भी की। हनुमानगढ़ जिले के भोला नगर गांव में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को अभी तक सहायता राशि न मिलने पर ग्रामीणों ने आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि 8 मई 2023 को MiG-21 फाइटर जेट गांव के एक मकान पर गिरा था, जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हुई थी और समझौता वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने सहायता राशि उपलब्ध करा दी थी, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई। किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी ने बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी बोले, किसानों की मांग पर विपक्ष के बाकी दलों से बात करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल पर भी बात हुई है, इंडिया गठबंधन से बात करके अंतिम फैसला लिया जाएगा। किसानों ने कहा कि हमने राहुल गांधी से MSP की लीगल गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा की। बीजेपी ने बजट को बेहतरीन और ऐतिहासिक बताते हुए देश भर में इसके प्रचार का कार्यक्रम बनाया है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बौद्धिक सम्मेलन आयोजित कर बजट का प्रचार किया जाएगा। 3 बीजेपी नेताओं की समिति बनाई जाएगी। अरुण सिंह, गोपाल कृष्ण अग्रवाल और राधा मोहन अग्रवाल की समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अम्बाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहाँ किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा, ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर आज नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 बिहार विधानसभा में पेश किया। इस बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत आरोपियों के लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं। शुक्रिया।